शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, ओहो आप तो गहरी नींद में हैं, कोई बात नहीं। कब आए सर? मुझे आए तो हो गया बहुत टाइम, लेकिन मैं आपको जगाना नहीं चाहा। मैंने कहा कच्ची नींद है, जगाना अच्छी बात नहीं, आप गहरी नींद में थे। मैंने आवाज भी दी लेकिन फिर आप जगे नहीं, तो हमने कहा कि छोड़ देता हूँ जी। आलस वाला मौसम, ये बात और सुनाइए सर, क्या हाल है? मौसम तो आलस्य वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई ने कहा भी गया है कि नींद में हर मस्ती ली जा सकती है। मैं तो कह रहा था कि आप और भी आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आराम हो गया सर, आराम हो गया सर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब चल रहा है हमारी तरफ, और कैसे, क्या सब चल रहा है? सब ठीक है सर। बहुत दिन हो गया था तो इसलिए मैंने सोचा, इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे भेंट कर ही लेता हूँ। बहुत अच्छा किए सर, अच्छा किए सर। कहिए सर जी, आपका प्रेम ही कुछ ऐसा है कि इंसान को किसी को भी खींच के ले आता है। आप में प्रेम पूरा भरा पड़ा है। फिर से क्या बात है सर? सच में शर्मा जी बहुत बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तारीफ क्या करूं आपकी, लेकिन बेहतरीन। ये आपका बड़प्पन है सर, सही कह रहे हैं सर। प्यार मोहब्बत में जीने वाले इंसान मुझे बहुत पसंद है। जिनका दिल प्रेम से भरा हुआ है वही जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जिंदगी में क्या रखा है सर? नहीं, ये छोटी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है फिर भी वो पागल बना रहता है। जिंदगी इतनी प्यारी है, उसको हमेशा तनाव में जीता है। मेरी भी समझ में नहीं आ रही है शर्मा जी, ये मेरी समझ से बाहर है। लोग इतने परेशान होकर क्यों जीते हैं जबकि उनको पता है कि जिंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं। इतनी प्यारी जिंदगी है, न जाने क्यों ऐसा वक्त लोग गवाते हैं। फिर तो दोबारा मिलने वाली नहीं है जिंदगी। लोग समझ नहीं पाते हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? अभी देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा। उन लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जबकि हिंदुओं ने कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हिंदुस्तान में तो ऐसी भावना नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे बदलेंगे लोग, कैसे सुधार होगा। ये संस्कार की बातें हैं सर, इसको बदला नहीं जा सकता सर। अंदर बसा है वही बाहर निकलता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जो आदमी के अंदर बसता है वही बाहर निकलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शर्मा जी कभी ये दुनिया बदलेगी? हर लोगों के दिल में प्यार की भावना जगेगी, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, ऐसा कभी कुछ होने वाला है? सर ऐसा कभी नहीं होगा, ये भावना कभी नहीं बदलेगी। ये जिंदगी के साथ आया है, जिंदगी के साथ जाएगा। बहुत बिल्कुल सही बात कहते हैं आप। इसके लिए कोई उपाय भी तो नहीं है कि आप किसी के, कोई घोल भी नहीं बना है, कोई शरबत भी नहीं बना है कि आप उसमें डाल के लोगों को पिला दें और लोगों की भावनाएं बदल जाएं। ये तो संस्कार की बातें हैं, वसूल की बातें हैं, आचार विचार, लालन पालन पोषण बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि बेटे नफरत किसी से नहीं करो, प्रेम की नदियाँ बहाओ, तभी ये कुछ हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा, यही दुनिया का नियम है। तो ये जीवन है, ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सही। तो इस वीडियो से हम कहना चाहते हैं फिर भी कि आदमी को आदमी से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसमें नफरत है उसके अंदर में प्रेम का बीज बोना चाहिए, और यही हर मानव का कर्तव्य है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।